नमस्कार, तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। आखिर मैं क्यों कहता हूं, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता पुनः गांव की ओर। आज हम सभी टेहरी वासियों के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि पहली बार टेहरी में किताब कौथिक होने जा रहा है। दोस्तों, हम मेले में जाते हैं, कोई जलेबी खाता है, कोई पकौड़ी खाता है, कोई कपड़े लेता है, वो सिर्फ अपने तन वतन या इन्जॉयमेंट के लिए। लेकिन पहली बार हमारे टेहरी में जो ये किताब कौथिक होने जा रहा है, उसमें सभी बच्चे भाग लेंगे, अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, कविताएं लिखेंगे या जिन्होंने लिखी हुई है उसके बारे में बताएं। देखिए, कविता हम लिखते क्या है, जो हमारे मन में चल रहा होता है, हम बोलते क्या है, जो हम सोच रहे होते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इसी पर जो है हमारे गुरुजन आप पूछें। तो सबसे पहले तो सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। मैं चाहूँगा पहले अपने हमारे जो गुरुदेव हैं सभी के साक्षात दर्शन हो जाए, और उसके बाद सर मैं आऊँगा सीधा आपके पास में कि क्या कुछ विशेष रहेगा इसमें। लेकिन आप लोग इस कौथिक में जरूर शामिल होने का प्रयास करें, अपने बच्चों का उत्साह बढ़ाएं। आज हमारा जो देश है या जो शिक्षा व्यवस्था है, जो बच्चों के मन में चल रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग अच्छा भी सीख रहे हैं तो भटक भी रहे हैं। उसी को कैसे ध्यान केंद्रित किया जाए और कैसे बच्चे आगे बढ़ें और कैसे पॉजिटिव बने, तो उसी को लेकर यहाँ पर चर्चाएं होंगी। लेकिन बच्चे जो आप करने वाले हैं, जो आप छोटा क्लिप में आपको दिखाऊंगा, उसे आपके मन में भी एक उमंग दौड़ेगी। तो गुरुदेव प्रणाम आपको मेरा। नमस्कार नमस्कार। थोड़ा परिचय दे पहले अपना। मैं एसपी सेमवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी जी। और ये मैं बताना चाहूँगा कि अभी पूरे देश के अंदर भाषा को लेकर के बच्चों का जो कौशल है उसको लेकर बड़ी चिंता व्यक्त की गई कि बच्चे अपेक्षित स्तर हासिल नहीं कर रहे हैं, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि सीखने की प्रक्रिया बाधित हो रही है और जिसे कहते हैं अवमंदित हो रही है। तो ये कोशिश की गई थी कि भाषा कौशल को विकसित करने के लिए निपुण भारत अभियान शुरू हुआ था। उसका दूसरा पहलू ये है कि हमारे साथ में उदय किरोड़ा जी हैं, काफ़ी वर्षों से मैं जानता हूँ, लगभग 2 दशक से ये बच्चों की लेखन कार्यशाला का आयोजन करते रहे हैं, और भाषा कौशल विकास में उनकी जो लेखन कार्यशाला एक अभिनव प्रयोग है, उसके नतीजे इतने शानदार हैं कि 5 दिन की कार्यशाला के बाद हर एक बच्चे का एक अपनी किताब बन जाती है। अभी पिछले दिनों टनकपुर में आपने किया तो वहाँ 50-60 बच्चों ने अपनी खुद की किताब बना दी 5 दिन में। एक कहानी है, उसमें कविताएं हैं, उसमें यात्रा वृत्तांत है, उसमें अपने स्कूल के बारे में, समाज के बारे में है। तो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि जिन बच्चों के बारे में उनको ये उम्मीद नहीं थी कि वो ढंग से अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उस कार्यशाला के दौरान कवि सम्मेलन भी होता है, कहानी पाठ भी होता है, जिसका संचालन बच्चे खुद करते हैं। तो मुझे भाषा कौशल विकास की प्रक्रिया में ये बहुत महत्वपूर्ण एक आयाम लगा, और उदय किरोड़ा जी निश्चित रूप से आज उसके एक, जिसे कहते हैं कि ये डायनेमिक इंस्टीट्यूट बन गए हैं बच्चों के लेखन कौशल को इन्हेंस करने की। उसमें अब दूसरा जो काम है वो किताब कौथिक हो रहा है। उत्तराखंड में टीम क्रिएटिव उत्तराखंड मेयर पहाड़ संस्था है, और हेमपंत जी हमारे साथ हैं, भारत ज्ञान विज्ञान समिति उत्तराखंड की राज्य इकाई साथ में है, और शिक्षा विभाग ने ये तय किया कि जो आपका बाल लेखन कार्यशाला है और इस मेले में जो बच्चों के लिए समानांतर सत्र होंगे कैरियर काउंसलिंग को लेके, साइंस के जो आपके स्टॉल होंगे, उसमें विद्यालय शिक्षा विभाग अपना जितना रिसोर्स उपलब्ध करा सकेगा वो हम लोग कराएंगे। और बाकी जो पूरा किताब कौथिक है ये गढ़वाल मंडल में पहला है। मैंने निवेदन किया था पंजी से कि आपने कुमाऊं में 9 शानदार कार्यक्रम किए तो एक टीरी में कर दिया जाए, तो आपने कहा ठीक है, डेट तय हुई 20 और 21 तारीख को। तो बहुत बेहतर ये होगा कि 15 से 19 तक तो हमारा ये बाल लेखन कार्यशाला चलेगी, और इसमें शामिल होने वाले बच्चों की जो मैगजीन बनेगी उसके लिए एक सेपरेट कॉर्नर उस पुस्तक मेले में तमाम प्रकाशकों के साथ में वो रखा जाएगा, जिसे पूरा जनता के लिए अवलोकन के लिए उपलब्ध होगा वो। तो ये 2 चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं, तो टिहरी में बहुत शानदार काम हो रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिलाधिकारी महोदय ने लाइब्रेरी को बहुत शानदार बनाया है, श्रीदेव सुमन लाइब्रेरी को। उस लाइब्रेरी के इनोवेशन और जो रिनोवेशन के दौरान मैं एक आइडिया आया कि टिहरी टाउन के बीच में पढ़ने लिखने की संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक पुस्तक यात्रा हमने निकाली जो कलेक्ट्रेट से निकली और वो आपके PIC ग्राउंड में संपन्न हुई। और उस जो पुस्तक यात्रा थी उसमें हमारे एक साथी मोहन चौहान टीचर हैं, वो अपने स्कूल में बच्चों को किताब देते पढ़ने को, तो कहते हैं कि जो बच्चा किताब के बारे में बात करना चाहे
तो वो अपने प्रार्थना सभा में बता सकता है उस बारे में। तो उन्होंने एक कलेक्शन किया, उसको एडिट करके, और उसका नाम रखा किताब जो मैंने पढ़ी। अब तो हम उसको पूरे जिले के अंदर एक आयोजन, जैसे कहते हैं अभियान के तौर पे करना चाहते हैं। तो उनका लोकार्पण भी वहाँ हुआ। किताब जो मैंने पढ़ी उसमें 30 बच्चों के बारे में है कि उन बच्चों ने कौन सी किताब पढ़ी और वो किताब के बारे में प्रार्थना में क्या कहा। उसके अलावा उन्होंने उसके वीडियोज़ बनाए। तो मैं चाहूँगा हमारे प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं, डूंगीधार मुख्यालय का स्कूल है, और उसके अलावा पैनुली जी हमारे मॉडल स्कूल के हेडमास्टर हैं, और आपके बच्चों का भी वहाँ पर विज्ञान का एक कॉर्नर होगा। तो ये जो किताब कौथी गई, मल्टी कॉर्नर बहुआयामी एक जन संवाद का, साहित्य का, सृजन का एक केंद्र बनेगा, और टिहरी के अंदर पढ़ने लिखने की संस्कृति को विकसित करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो मैं मेरे पुनः गांव की ओर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस मौके पर मिलकर ये सब किया। और आज आपने वही काम कर रहे हैं जो पुनः गांव को चाहता है, जड़ पर कहते हैं जिस प्रकार से हम पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं और पत्ते पत्ते तक पहुँचता है, उसी प्रकार जो शिक्षा आपके माध्यम से मिलती है हमारे देश विदेश में पहुँचती है। तो आप मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि पुरानी टिहरी को मैंने 3-4 बार देखा जब मैं अपने इन लॉज को मिलने उत्तरकाशी जाता था, लेकिन मुझे पुरानी टिहरी पूरा टाउन घूमने का मौका नहीं मिला। आज मैं तस्वीरें देख रहा था, नीचे एक रेस्टोरेंट है चंबा के नीचे, वहाँ पर पुरानी टिहरी का पूरा तस्वीर है। एक सुनते थे कि वो बेहतरीन ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक मिजाज की एक नगरी रही थी। जब नई टिहरी बसा उसकी जगह पर, तो मुझे तीसरा कार्यकाल है मेरा यहाँ, मुझे यहाँ उस तरह का जो साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन की धरती बन सकता था वो नहीं दिखा। तो मैंने कहा इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पुस्तक यात्रा, उसके बाद जो लाइब्रेरी बहुत शानदार बनी है, जिले के 9 ब्लॉक में 9 लाइब्रेरी हमने एस्टैब्लिश की जिलाधिकारी महोदय ने, हमने तो केवल स्कूल उपलब्ध कराए हैं। और अब पुस्तक यात्रा जो निकाली थी हमने कलेक्ट्रेट से PIC तक, और अब ये पुस्तक लेखन कार्यशाला है, बाल लेखन कार्यशाला और किताब कौथिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि टिहरी के सांस्कृतिक मिजाज को और बेहतर करने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप सब बहुत आभार आपका। थोड़ा मैं आपका बताना चाहूँगा, आपकी इस शुरुआत के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थोड़ा संक्षेप में पढ़ते बैठा, सभी लोग अपना अपना देते रहे, अच्छा रहेगा जी। मैं उदय केरल हूँ, अल्मोड़ा से हूँ, बच्चों की एक मैगजीन निकालता हूँ और 1987 से बच्चों के बीच गतिविधियाँ करता हूँ, और अभी तक भारत के 16 राज्यों में हम 5-5 दिन की लेखन कार्यशालाओं का आयोजन करें, और जो हम इस बार टिहरी में करें हमारा 301वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। और भारत ज्ञान विज्ञान समिति के हमारे आदरणीय विजय भट्ट जी, आदरणीय सेमवाल सर हमारे संरक्षक के बतौर हमारे साथ रहते हैं, और इन कार्यशालाओं में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोरोना काल में हमने बच्चों की ऑनलाइन कार्यशाला भी की। आज शाम को हमारा 952 ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को आगे बढ़ाने की दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पुनः गांव को और की ओर चैनल को प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं आपका कि आपने हमारे इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आने का कष्ट किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से एक बहुत ही इसका प्रचार और प्रसार हमारे जनपद के अंदर होगा, और अधिक से अधिक लोग जो हमारा ये जो बालक अब आने वाला जो ये जो किताब कौथिक है इसमें अधिक से लोगों की भागीदारी इसमें होगी। और जो आजकल जो हमारी ये कार्यशाला अभी आज से प्रारंभ हुई है, बच्चों की कार्यशाला, बाल लेखन कार्यशाला, तो उस कार्यशाला में बच्चे बहुत सी गतिविधियाँ और बहुत से सृजनात्मक कार्य करेंगे और वो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी उनके जीवन में होंगे, ऐसी हमारी कोशिश है। और ये कार्यशाला 15 से 19 तारीख तक चलेगी और जिसमें हम सब लोग खूब उत्साह से अपने बच्चों को सीखने सिखाने का एक जो नया तौर तरीका विकसित हो सकेगा इस कार्यशाला में, तो हम उसकी पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका। आप थोड़ा सा हमारे पास आएंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा कार्यक्रम है ये। मैं डॉक्टर सुशील कोटलाना, प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ राजकीय इंटर कॉलेज धुंगीधार में। हमारे विद्यालय से 8 छात्राओं ने यहाँ प्रतिभाग किया है। तो ये जो एक अलग प्रकार की जो गतिविधि है उससे छात्रों को अभिव्यक्ति का सशक्त मंच मिल रहा है, और एक जो सबसे बड़ा कार्य जो कि आज लगभग जो ये इंटरनेट के कारण और मोबाइल के कारण लगभग स्थिति ऐसी हो गई है कि वो मृत प्राय हो गया है, तो वो जो पुस्तकें हैं और वो जो लेखन कला है, जब कभी पत्र भी लिखे जाते थे और बच्चे लिखने का ही काम करते थे एक समय में और पत्रिकाएं पढ़ते थे जैसे चंदा मामा, नंदन, तो वो जो किरोला जी का और हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय के समन्वित प्रयास हैं
तो उससे जो है हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को जो है वो पुस्तक पढ़ने की उनमें प्रवृत्ति विकसित होगी और मोबाइल के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसके पार्श्व प्रभाव हैं, उनसे बच्चे बचेंगे। ये एक बहुत बड़ा अपने आप में जो है रचनात्मक जो है कार्यशाला है। हमारे 8 बच्चे यहाँ प्रतिभाग कर रहे हैं, ऐसे 12 विद्यालयों के नगर जो क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र, उसके लगभग 96 बच्चे, मानिए आपकी प्रत्येक विद्यालय से 8-8 4 छात्राएं और 4 छात्र। तो इसके कारण नगर का एक वातावरण, जैसा कि गढ़वाल का प्रयाग था, और वहाँ से जो है उद्भट साहित्यकार भी निकले हैं। स्वयं जो कीर्ति शाह थे वो एक बहुत अच्छे साहित्यकार थे, उनके यहाँ उनके जो वजीर थे जो हरिकृष्ण रतूड़ी जी, बहुत उच्च कोटि के वो इतिहासकार भी रहे, उनकी पुस्तक भी है गढ़वाल का इतिहास। ऐसे ही ड्रामा क्लब बनाया जब टिहरी में, मैं समझता हूँ पूरे उत्तराखंड में भी रहा हो न रहा हो, तो सीनियर जो एक यहाँ पर संरक्षक के रूप में आया था, तो सीनियर ड्रामेटिक क्लब बना, एक अंग्रेज़ था जो उस समय, क्योंकि जो कीर्ति शाह जी थे वो नाबालिग थे, तो उनके संरक्षक के रूप में वो यहाँ आया था, तो उसके नाम से एक ड्रामा की, मतलब नाटक की गतिविधियाँ भी यहाँ शुरू हुई। बहुत सारा ऐसा था जो टिहरी में अनूठा था, मतलब बहुत कुछ जगाने का प्रयास, तो नई टिहरी में वो सब नहीं है, तो पुरानी टिहरी का वो जो खोया और डूबा हुआ गौरव है वो उसको पुनः लौटने वाला लग रहा है, लौटेगा। और आपके पुनः गांव की ओर चैनल का धन्यवाद, बहुत संक्षेप में चाहूंगा परिचय दे आप। मैं आपकी फ्रेंड्स गढ़दाड़ी प्रकाशन जी हरिद्वार से हूँ जी, और आज बाल प्रहरी का 952 ऑनलाइन कार्यक्रम चलेगा। मैं 169 जो कार्यक्रम था कोरोना पीरियड से, तब से बाल प्रहरी से जुड़ा हुआ हूँ, और उदय गंगा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आज मुझे अपने आप को एससी के मैदान में देख करके, और प्रधानाचार्य जी की उपस्थिति में, और सीईओ साहब की उपस्थिति में, और भट्ट जी और त्रिला जी की उपस्थिति में मुझे पुनः आने का मौका फिर मिला हुआ है। मैं 1994-95 में इसी टेहरी लेखन कार्यक्रम कार्यशाला चल रही है, और इसके बाद ही फिर पुस्तक मेला कार्यक्रम चलना है, और मैं पुनः गांव की ओर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। एक गुरुदेव और हमारे साथ में, प्रणाम। नमस्कार, मैं विजय भट्ट हूँ, भारत ज्ञान विज्ञान, थोड़ा गड़बड़ है बोला भाई, है ना, मैं विजय भट्ट हूँ जी, और भारत ज्ञान विज्ञान समिति से आऊँ। और भारत ज्ञान विज्ञान समिति जो है बच्चों का बीच विज्ञान शिक्षण से लेकर और शिक्षा में हम कने मनोरंजन कार्य बनाओ, कने वही सर्वसुलभ बनाओ, वही दिशा में हम काम कर दो। दूसरी बात यह है कि ये कार्यशाला में जो है हम बाल लेखन कार्यशाला था, ये हमारा सहयोग किताब को सहयोग की। और दूसरी बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरे पूर्वजों को ये ग्रह जनपद है, मेरा पूर्वज सावली का मकान, अच्छा नहीं बगल, और लेकिन ये मतलब जो हम ज्ञान विज्ञान का काम कर दो, पूरा प्रदर्शन कर दो, यही प्रदर्शन करने को मैं सौभाग्य मिली आप लोगों का सबके उनका माध्यम से, अच्छी लगी लिहाजा श्यामवाल जी चले मातृभाषा पर कार्यक्रम मातृभाषा का हुई चाहू, और मातृभाषा तो यानी था कि बोली बोलने से हुई, बोली को मतलब जब बोल रहा हूँ तो वो बोली होगी, बिल्कुल सही बात है। तो और वो संप्रेषण बोली मतलब संप्रेषण भी वाला कुछ नए होगा नहीं हो, और निश्चित तौर पर हम भाषा तो भी बचोला, संस्कृत में भी बचोला, और अपना जो छन जो रीति रिवाज और कौथी कौथी हमारे थॉल हो, है ना, हमारे थॉल बोल रहे हैं, तो ये हम तीन बोल सकते किताबों को थॉल है, थॉल लगी मतलब आवाज। आपको अभी बताओ, आप भी अचानक आएंगे अयो को बेग मुड़ा और डामेर उठाए मुड़ा पुनः गांव की ओर, अयो कुछ उठाए मुड़ा के को कौथिक मैथी मिलन, तो वाक्य में दबड़ो मिलन को ही चलू, तो आप भी मैं चाहूँगा गढ़वाल को संदेश जाओ जरा आज। बहुत बहुत धन्यवाद, पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लगे चाहिए कार्यक्रम पुनः गाँव के ओर चैनल से, पहले मेरे को धन्यवाद, और दूसरों में बहुत बहुत आभार कर दूँ भारत विज्ञान समिति को, और हमारा तगड़े हैं जो अल्मोड़ा बटन आए हैं हमारा भाई लोग, इवन हमारे टीवी चुने खतर, मैं बहुत बहुत उनको आभार छ, और मैंने उनको ब्याह बोली मैंने हमारा सेवा बताया भाई, तुम रहने की खाने की व्यवस्था हम मेजबानी करना अवसर मिलो, इवन बहुत बड़ो
अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी छी हमें अल्मोड़ा जगह मौको मिले एक बार जब मैं छात्र थे तो मैं चाहूँ जन अल्मोड़ा सांस्कृतिक नगरी का ऑर्डिनेटरी बनू इवन एक बहुत बड़ा काम ये करी मैं भी घर में शाम को जाऊँ तो मोबाइल चलाऊंगा बच्चे भी चलाऊंगा तो हम चाह रहा तो नई परंपरा शुरू करिए किताब लिखने की पढ़ने की ये परंपरा हमारी खुद खत्म होगी हम अब शुरू कर ला हमारे बच्चे भी सुधर ला और इवन प्रयास करिए हमारे को बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हो कहीं ताकि हमारी नेटरी जो है पुरानी हमारे पे जो जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक नगरी थे क्योंकि पुराना गौरव जो हमारा चाहिए हमारा कितना कल्चर प्रोग्राम तक होना चाहिए मेला थोड़ा होना चाहिए तो हमारा जो आपने बताया मैथी मिलन परिवार हमारा मैथी मिलन परिवार नेटरी जो थोड़ा मेला शहर बनो हमारे किताब खोलती का जो अभियान चल रहा है टिहरी आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है टिहरी में जो हमें सपोर्ट मिल रहा है जो प्यार मिल रहा है मैं बताना चाहता हूँ कि 9 किताब खोलती आज तक हम कर चुके हैं 9 जिसमें लगभग 1,00,000 लोगों को हमने जोड़ लिया है हमने कनकपुर से एक शुरुआत की थी कनकपुर के बाद बैजनाथ आदेश्वर चंपावत फरागढ़ द्वाराहाट भीमताल नारंगमत्ता रानीखेत हल्द्वानी वहाँ के बाद हम गढ़वाल में पहली बार कर रहे हैं और टिहरी की ताकत एक बहुत भव्य रूप में होने जा रहा है इसमें हमारे उत्तराखंड के बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी आ रहे हैं इंदिकेश्वर हटवाल आ रहे हैं माधुरी बटवाल आ रही हैं बसंती बिष्ट आ रही हैं हमारे देश के सबसे बड़े पर्वतारोही धर्म रविराज सिंह धर्मशक्तु जो 7 बार एवरेस्ट चढ़े हैं वो बच्चों से बातचीत करने आ रहे हैं आरजे काव्य आ रहे हैं आरजे काव्य भी आ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक एक्सपर्ट नवीन जी आ रहे हैं वो बच्चों को बताएंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे लड़ने के लिए उसकी तैयारी के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए संतनु शुक्ला आ रहे हैं जो बच्चों को कैरियर काउंसलिंग करेंगे और इसके अलावा बच्चों के लिए हमने कई कॉम्पिटिशन रखे हैं बहुत बड़े साहित्यकार इस इलाके में आ रहे हैं तो बच्चों को उनसे सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा और इसमें हमने एक कवि सम्मेलन भी रखा है कई वैचारिक विमर्श के कार्यक्रम रखे हैं और ये बहुत बड़ा आयोजन है मैं सबसे अपील करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 20-21 तारीख को टिहरी नगर पालिका हॉल में आएँ और किताब कौतिक को सफल बनाने में अपना सहयोग दें आपके हाथ में एक पुस्तक है ज्ञान आप बांटते हैं ये कौतिक मेला लग रहा है आप क्या कहेंगे इस पर सबसे पहले तो आपके सादर प्रणाम मैं दीपक गाइड में लेक्चरर हूँ और यो आप देख रहे हैं कि 5-15 से 19 तक एक बच्चों का खातर एक क्रिएटिविटी का खातर बच्चों की रचनात्मकता का खातर एक प्रतियोगिता बोला चाहे बच्चों को मिलन बोला ये कार्यक्रम आयोजित करना था नहीं का खातर सबसे पहले तो मैं मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय श्री सिमवाल सर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका निर्देशन में आपका सहयोग से और उदय किरोला जी श्री हेमपंत जी श्री आनंद मणि पैनवी जी आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा जो बच्चा जो प्राइमरी जूनियर का ये होगा बीच में थोड़ा सा क्रिएटिविटी यो की रचनात्मकता तय भय निकाल लगे कविता कहानी लेखन चुटकला लेखन आदि चीज़ों का यह प्रतियोगिता कराना चाहते हैं बच्चों में थोड़ा एक बहुत अच्छा उनके शब्दावली विकास बच्चों के आत्मविश्वास में विकास और 19-20 तारीख को एक बहुत बड़ा कौथिक मेला किताबों को किताब कौथिक कौथिक मुद्रण मेला जय कौथिक माँ कई प्रकार की हजारों हजार किताब वहाँ पर प्रदर्शित होंगी और तोमा जी जो विशेष करके जो हमारा स्कूली बच्चा था प्राइमरी का जूनियर का इंटर बच्चों का खाता बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक और बहुत ही अच्छी किताबें वहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्रकाशक भी जनता से माला अपनी किताबों को प्रदर्शन करता और हमारा जो शिक्षक साथी थे वो तो दिखे गए अपना स्कूल खातर भी तो किताबों लिए तो ये बहुत अच्छी एक शुरुआत है जो एक टिहरी जनपद में हो रही है और ये पहली बार संभवता हम देखना था कि इतना बड़ा वृहद स्तर पर जब एक बहुत ही ख्याति प्राप्त देखे का भी एक उपस्थित होना चाहता हूँ अनुभव हम लोग ले प्रयास कर लग तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपका ये पुनः गांव की ओर का माध्यम से इस प्रकार की जो शैक्षिक गतिविधि चल जो शिक्षा का विकास का लगातार होने चल हमारे टीम में मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय का निर्देशन में तो आप व्यापक प्रचार प्रसार करना चल आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहना कि प्रत्येक जो 19 तारीख को जो हमारा किताब है जो हमारा आपका ये चैनल का माध्यम से जो आपका दर्शन चल वो भी इस मेला को जो आनंद बहुत बहुत धन्यवाद टिहरी किताब कौतिक यहाँ पे होने जा रहा है आप सभी लोग पूछें आप इतना प्रेम जब चैनल को देते हैं
तो हम भी जगह जगह जाकर ये सब दिखाते हैं और लोग हमें बुलाते हैं। दोस्तों, अगर पहाड़ को बचाना है, पलायन को बचाना है, तो सबसे पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। आज इस प्रकार की पढ़ाई हो या सोशल मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप अलग बातें दिखाई जाती हैं, उससे आज बच्चों का जो मन है वो बिल्कुल उसमें विकृति पैदा हो रही है। और उसी को लेकर के आज टेरी कॉथिक जो है, यहाँ पे बच्चे अपनी कविताओं का, लेखनी का प्रदर्शन करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि शुरू मैंने आपसे कहा कि हम क्या लिखते हैं, जो हम सोचते हैं, हम क्या लिखते हैं, जो हमारे मन में चल रहा होता है। तो चलिए, आप सभी लोग इसमें शामिल हों और जिस प्रकार से आप शोभा बढ़ाते हैं अपने मेलों की, कौथिक की, और उसी प्रकार से मैं चाहूँगा कि इस किताब कौथिक की भी आप शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड। और कल हरेला का पर्व भी मनाया जाएगा, तो सभी से अनुरोध है कि कोशिश करें एक एक पेड़ लगाने का, और जो पेड़ न लगा सका, जैसे कि हौसला कि मैं खुद न लगा सकूं, तो कहीं उसे बचाने का हम चलते फिरते एक लीटर दो लीटर पानी अपने साथ में ले जाएं, और जहां पे हमें लगे कि यहां पे पौधा अभी नया नया किसी ने लगाया है, हम उसे सींच सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। बढ़ते रहिए आगे इसी प्रकार की सोच के साथ।